गुड मॉर्निंग, आई एम फ्रॉम लोकमान तिलक स्कूल. ओके सानवी, ये बताओ स्वर कितने होते हैं? नहीं पता? पूछो नहीं बेटा, मैं बता रही हूँ. फिर आराध्या, तुमको पता है स्वर कितने होते हैं? बताओ. 11. कौन कौन से? वेरी गुड सानवी, क्लैप फॉर आराध्या. आई ऑल्सो क्लैप फॉर आराध्या. आराध्या के लिए क्लैप करो. सानवी क्लैप करो हाथ ऊपर करके. वेरी गुड आराध्या. स्वर 11 होते हैं, आ से लेकर आओ तक. छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आई ओ आओ. और अंग और आहा क्या है? ये दोनों आयोगवा है. वेरी गुड आराध्या. आराध्या लगता है रोज पढ़ाई करती हैं. और ये बताइए कि व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? हाँ मैं बताती हूँ, व्यंजन का से लेके हा तक व्यंजन है. उसके बाद श वो हा से छ से क्षत्रिय, ज्ञ से ज्ञानी, त्र से त्रिशूल और श्र से श्रमिक. ये संयुक्त व्यंजन है. ठीक है, ये सब क्या है? ये सब संयुक्त व्यंजन है. व्यंजन कौन से हैं? का से लेकर हा तक. क ख ग घ ङ च छ झ झ ञ ट ठ ड ड ण त थ द ध न प फ भ भ म य र ल व श श स ह. ठीक है, बाकी सब संयुक्त व्यंजन है. आज हम लोग पढ़ेंगे मात्राओं के बारे में. साइन ऑफ वॉवल्स, जब स्वर व्यंजन के साथ लिखा जाता है तो वह अपना रूप बदल लेता है. यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है. आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती. देखिए, जब आ से लेके आपका औ तक सभी में कुछ चिन्ह लगा होता है ना अक्षर के साथ, इसी को मात्रा कहते हैं. ठीक है, जब यह व्यंजन के साथ मिल जाता है तो अपना, जैसे का के साथ आ लगाना है बड़ा, तो वो आ नहीं लगाया जाता, उसका चिन्ह लगाया जाता है. ठीक है, जब स्वर व्यंजन के साथ लिखे जाते हैं, जब व्यंजनों के साथ स्वर लिखना होता है तो वो अपना रूप बदल लेता है, मतलब वो मात्रा रूप में आ जाता है. जैसे एक मात्रा ये होती है, एक मात्रा आपकी ये होती है छोटी की, ये मात्रा, ये सब जब लग गई तो रूप बदल गया ना. यही बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है. आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती. जो स्वर आ होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती. ये सभी व्यंजनों में मिला होता है, ये सभी व्यंजनों में मिला होता है. जैसे आप का लिख का, तो आपको का के साथ आ सुनाई देता है. ठीक है, और अगर आधा का होता है क, तो फिर इसमें आ नहीं मिला रहता. ठीक है, ये सभी व्यंजनों में मिला रहता है. स्वर रहित व्यंजनों के नीचे हलंत लगाते हैं. ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे आपने का लिखा, हाँ, और अगर इसमें कोई स्वर नहीं लगाया तो इसके नीचे हम लोग हलंत लगाएंगे. वा है, वाक के साथ कोई स्वर नहीं है तो नीचे हम लोग हलंत लगाएंगे. ये नीचे इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं. आ को छोड़कर अन्य सभी स्वर और उनकी मात्राएं इस प्रकार है. ये देखिए, स्वर मात्रा, व्यंजन रहित स्वर और शब्द. ठीक है, ये देखिए, स्वर आ,
मात्रा कोई नहीं, व्यंजन के साथ लिख दिया तो पूरा का होगा, अगर का में आ नहीं मिलाएंगे तो का को हम लोग ऐसे लिखेंगे हलंत लगा के, ठीक है। कमल, आ, और आ, ये वाले आ वाले शब्द बताइए और कौन से हैं। सानवी, तीन अक्षर वाले शब्द बताओ बेटा। कमल लिखा है और तीन अक्षर वाले शब्द बताओ। आराध्या आप बताइए। तीन अक्षर वाले कोई शब्द बताओ बेटा। नमक, बटन, शहद, कितने ढेर सारे शब्द हैं। बटन, हाँ नमक, बटन, शहद, ठीक है। अब देखिए आ की मात्रा, ये देखिए आ की मात्रा है, जब व्यंजन के साथ लगाई तो ये ऐसे हो गई, तो हमारा शब्द बन गया काला। और दो शब्द बताइए आ की मात्रा के। आम, वेरी गुड। और काला के राइमिंग वर्ड बताइए। हाँ धागा, ताला और दाल, ये सब आ की मात्रा वाले शब्द है ना। चलिए हाँ अब आगे देखिए ई की मात्रा। ई की मात्रा देखिए कैसी होती है, ऐसे ई की मात्रा अक्षर से पहले लगती है, तो इसलिए बन गया किला। आप लोग बताइए जल्दी से ई की मात्रा वाले शब्द। हाँ इमली, इमली में मात्रा बड़ी की लगेगी ला में। देखिए दिन, दिन में लगी है ना छोटी की मात्रा। रवि, वा में लग गई छोटी की मात्रा। कवि, का और वा में देखिए का लिखा और छोटी की मात्रा से मिला के वा लिखा, कवि है ना। और क्या लिख सकते हैं आप लोग, रवि। और गिलास, किताब, हिरन, हाँ दिन, हिरन, ये सब छोटी की मात्रा वाले शब्द है। बड़ी की मात्रा वाले शब्द देखिए, बड़ी की मात्रा अक्षर के बाद लगती है, ठीक है। कील, और बताइए। खीर, वेरी गुड। और खीर हो गया और कील हो गया और नीला, हाँ चीख, और इमली, इमली हो गया और बकरी हो गया, ठीक है। ये सब में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ। अब आते हैं ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा का चिन्ह देखिए ये है, जब का के साथ ऊ की मात्रा लगाई तो ऐसे हो गया और हम लोग ने लिख दिया कुल। और एक कोई शब्द बताइए। उपवन, नहीं बेटा उपवन तो सादा शब्द है ना, ऊ की मात्रा जिसमें लगी हो, जैसे वो सुराही, सुराही में सा में लगी ना सुराही, और सा बुन, बा में लगी ना बुन, धुन, और गुन, गुड़, सब में ऊ की मात्रा लगती है। अब बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा ये है, का के साथ लग गई बन गया कूलर। अब आप लोग यहाँ पे फूल भी लिख सकते हैं, जूता लिख सकते हैं, झाड़ू लिख सकते हैं, सब में बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है। अब री, री, री जो है वो का के साथ लग गया बन गया कृषक। आप लोग लिख सकते हैं मृग है ना, हाँ ऋतु। अब ये देखिए ए की मात्रा, ए की मात्रा का चिन्ह देखिए, केला, केला की तरह क्या लिख सकते हैं, बेर, शेर,
सेब लिख सकते हैं ना, है सेना में। हाँ, और ये आय की मात्रा, देखिए क्या का में लग गई तो क्या मरा, और मैं ना, और पैदल। हाँ, सानवी। हाँ, मैं भी हो सकता है, मैना भी हो सकता है ना। अब ओ की मात्रा, अक्षर के साथ ओ की मात्रा को जोड़ दिया, बन गया कोयल। इसी तरह बोतर, बोतल, मोटर, जोकर, ओ की मात्रा लग गई ना, तोता। अब औ की मात्रा, औ की मात्रा में का चिन्ह ये है, ये देखिए बुक में आपकी गलत छप गया है, इसमें एक मात्रा और होनी चाहिए, ठीक है, इसमें ये मात्रा और होनी चाहिए। कौवा, और क्या लिख सकते हैं आप लोग, पौधा ना, पौधा हो गया, लौकी हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपकी ए से लेके औ तक की मात्रा पढ़ा दी गई। अब अपना होमवर्क में आप लोग क्या करेंगे, राइटिंग करेंगे, और राइटिंग में आप कहाँ से करेंगे, राइटिंग किस में करेंगे, वो आपका जो रिवीजन रजिस्टर होगा, हिंदी की राइटिंग रिवीजन रजिस्टर में होगी, इंग्लिश की राइटिंग ट्यूशन कॉपी में होगी। ये देखिए, ये स्वर मात्रा व्यंजन सहित स्वर शब्द, इसको आप उतारेंगे और इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, इसको ट्यूशन कॉपी में करेंगे, बाकी आपको कल पढ़ाया, वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, गुड डे।